राजनीतिक शब्दकोश का सबसे मशहूर मुहावरा ये है कि यहाँ न कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त। हकीकत में ऐसा नजर भी आता है। कौन नेता और कौन दल कब किस खेमे के साथ चला जाए कोई अनुमान नहीं लगा पाता। महाराष्ट्र में चल रहे मौजूदा सियासी संकट का असल केंद्र यही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी एवं भाजपा के साथ हाथ मिलाकर शिंदे भाजपा सरकार स्थापन कर दी, जिसके बाद अब शिवसेना में भी संभ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। कुछ लोग राजनीति से बिजनेस करने के लिए एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हो गए तो कुछ लोग शिवसेना के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखते हुए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे। मुसीबत के समय में ही असली निष्ठावान लोगों की पहचान होती है, इसकी एक अच्छी मिसाल इन लोगों ने कायम की है। अगर सच्चे शिव सैनिक थे तो क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे का साथ? कि श्री एकनाथ शिंदे साहब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। सत्ता बदल होने के बाद शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर कर दी, जिसके बाद शिवसेना के प्रति अपनी वफादारी दिखाने वाले कई पूर्व नगर सेवक एवं कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे से जाकर मुलाकात की एवं उन्हें अपना समर्थन दर्शाया। नवी मुंबई में भी तकरीबन 32 नगर सेवक एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने की खबर है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे से मिलकर उन्हें अपना समर्थन भी दर्शाया, जिसमें प्रमुख तौर पर समावेश है शिवसेना के उपनेता विजय नहाटा, शिवसेना के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले, पूर्व नगर सेवक किशोर पाटकर, शिवराम पाटिल, रामाशीष यादव, विलास भोईर, ममित चौगुले, सुरेश कुलकर्णी, संजू वाड़े जैसे कई लोग एकनाथ शिंदे के दरबार में पहुंच गए। शिवसेना से पहचान बनाने के बावजूद भी क्यों छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ? अगर बात करें नवी मुंबई के शिवसेना की तो नवी मुंबई शिवसेना की एक बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे द्वारा भरोसे के साथ विजय नहाटा के कंधों पर सौंपी गई थी। बता दे कि विजय नहाटा किसी राजनीतिक पार्श्वभूमि से नहीं थे, वे एक IAS अधिकारी थे जिन पर पार्टी ने विश्वास दर्शा कर उन्हें शिवसेना उपनेता के साथ साथ उन पर महाराष्ट्र पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी डाली। मगर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही उन्होंने भी राजनीतिक मौका तलाशते हुए अपने फायदे के लिए जहां सत्ता का पलड़ा भारी था उस खेमे की ओर अपनी वफादारी दिखाई और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, जिस कारण अब स्वयं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र के साथ गद्दारी करने वाले इन मौका परस्त लोगों पर क्या नवी मुंबई की जनता भविष्य में विश्वास करेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। आज भी नवी मुंबई में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ डट कर खड़े हैं। भले ही आज नवी मुंबई में 30 से 32 पूर्व शिवसेना नगर सेवक एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए, मगर आज भी कई ऐसे कट्टर शिव सैनिक नवी मुंबई में हैं जो इस मुसीबत के समय में उद्धव ठाकरे के साथ डट कर खड़े हैं, जिनमें समावेश है शिवसेना के जिला अध्यक्ष विठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर, पूर्व नगर सेवक सोमनाथ वास्कर, विजय माने, MK मड़वी, करण मड़वी, पूर्व नगर सेविका कोमल वास्कर, विनया मड़वी के साथ ही शिवसेना महिला संगठक रंजना शिंत्रे जैसे कई लोगों ने स्वयं उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दर्शाया था। उद्धव ठाकरे को मिल रहा है जन जन से समर्थन। जब कुछ शिवसेना के विधायकों ने बगावत की तब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया एवं अपना सरकारी निवास स्थान छोड़ा, तब उन्हें समर्थन देने के लिए शिवसेना के असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी भी सड़कों पर उतरे थे एवं उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसा विश्वास दिलाया कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए शिवसेना इन सब को झेल कर फिर एक और बार डट कर खड़ी होगी।
शिवसेना से बगावत करने वाले विजय चौगले एवं विजय नाहटा पार्टी से निष्कासित। एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने वाले नवी मुंबई के पदाधिकारियों को शिवसेना से निष्कासित कर दिया है। शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा और नवी मुंबई महानगर पालिका के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले को पार्टी से हटाया गया। विजय नाहटा और विजय चौगले के खिलाफ पार्टी विरोधी कार्रवाई करने के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये कार्रवाई के आदेश दिए। उनके साथ गए पूर्व नगर सेवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए अब नवी मुंबई के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।